हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 22 अगस्त 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे दिया, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट पे हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो नाउ लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले कल की वीडियो में एक एरर आया था लास्ट पे हिस्ट्री के क्वेश्चंस में, पहले वो मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। वर्न हेस्टिंग वाज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहाँ इंडिया नहीं है, इट्स बंगाल। वर्न हेस्टिंग वाज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो और इसमें जो फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। नाउ लेट्स बिगिन द फर्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली AIFF हैज़ पार्टनर्ड विद होम टू स्टार्ट ई स्कूल्स। हाल ही में AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने ई स्कूल शुरू करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है। रिसेंटली AIFF हैज़ पार्टनर्ड विद SAI यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू स्टार्ट ई स्कूल्स, और इनका नाम है ई पाठशाला। ये एक वेब प्लेटफॉर्म है ई पाठशाला। ये AIFF ने रिसेंटली स्टार्ट किया है इन पार्टनरशिप विद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक एथलीट कोचिंग प्रोग्राम है फॉर फुटबॉल फॉर ग्रास रूट्स एंड इंटरमीडिएट लेवल्स। सो इसलिए ये प्लेटफार्म जिसका नाम ई पाठशाला है ये रिसेंटली शुरू किया है, और ये शुरू किया है AIFF ने। अब AIFF ने शुरू किया है तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इससे रिलेटेड। फुल फॉर्म इसकी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसको सिंपली AIFF भी कहा जाता है। ये गवर्निंग बॉडी ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल इन इंडिया है एंड इट वॉज फाउंडेड इन 1937। हेडक्वार्टर इसका द्वारका दिल्ली एंड प्रेजिडेंट है इसके प्रफुल्ल पटेल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, who has been appointed as the new Director General of BSF? हाल ही में BSF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Recently, राकेश अस्थाना, he has been appointed as the new Director General of BSF। अब BSF के Director General बने हैं, तो BSF से related कुछ important facts देखते हैं। The Border Security Force, ये एक India's primary border guarding organization है on its borders with पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1965। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली इंडिया में एंड मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल अमित शाह, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, एंड राकेश अस्थाना ये बने हैं नए न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF। अब बाकी के नाम भी देखते हैं ये कौन है। SS देसवाल, ही इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP। देन AP महेश्वरी, ही इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर हैज MPEDA एस्टेब्लिश्ड द क्वालिटी कंट्रोल लैब रिसेंटली। हाल ही में MPEDA ने क्वालिटी कंट्रोल लैब कहाँ स्थापित की है? रिसेंटली MPEDA हैज एस्टेब्लिश्ड द क्वालिटी कंट्रोल लैब रिसेंटली इन पोरबंदर सिटी ऑफ इंडियन स्टेट गुजरात। सो ये पोरबंदर में एस्टेब्लिश की गई है, इट्स अ सिटी इन इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। सो अब इस लैब में जो भी सी फूड है उनकी, यानी जो भी सी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए ये क्वालिटी कंट्रोल लैब एस्टेब्लिश की गई है। अब ये एस्टेब्लिश किया MPEDA ने, तो MPEDA देखते हैं ये क्या है। MPEDA यानी द मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये इसकी फुल फॉर्म, इट वॉज फॉर्म्ड इन 1972। हेडक्वार्टर इसका केरला इंडिया में, एंड KS श्रीनिवास, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ MPEDA। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर हैज डी ज्योर डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में डी ज्योर डे कहाँ मनाया गया, यानी डी ज्योर डे दैट मीन्स द लीगल मर्जर ऑफ UT विद द इंडियन यूनियन। सो रिसेंटली डी ज्योर डे इट वॉज सेलिब्रेटेड इन पुडुचेरी एंड इट वॉज इट्स 59th एनिवर्सरी एंड इट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 16th अगस्त। सो पुडुचेरी ये एक यूनियन टेरिटरी है, ये है इंडिया में इसकी लोकेशन रेड कलर में।
और ये 16 अगस्त 1962 को इंडिया के साथ मर्ज हुई थी बाय द वर्च्यू ऑफ रेफरेंडम, और ये रेफरेंडम हुआ था अक्टूबर 18, 1954 को, और इस रेफरेंडम में 178 रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया था, आउट ऑफ विच 170 वोटेड इन फेवर ऑफ द मर्जर विद इंडिया एंड 8 अगेंस्ट इट। तो कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है यहाँ की पुडुचेरी, डिस्ट्रिक्ट है यहाँ के 4, चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी पी वी नारायण स्वामी एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी हैं किरण बेदी। तो यहीं रिसेंटली डी जी आर डे सेलिब्रेट किया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट रैंक्ड फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ टॉप इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। भारत में शीर्ष नवीन शिक्षक संस्थानों की सूची में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर रहा। सो रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैड्रास, इट वॉज रैंक्ड फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ टॉप इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया विद द सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर। सो ये फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर फर्स्ट रैंक पर रही इन द लिस्ट ऑफ टॉप इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विल द फर्स्ट एवर वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट बी हेल्ड। पहली बार विश्व और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा। सो फर्स्ट एवर वर्ल्ड सोलर समिट, इट विल बी हेल्ड ऑन 8th September एंड इट विल बी इनॉग्रेटेड बाई द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, एंड द समिट इज़ बींग ऑर्गेनाइज्ड बाई इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऑन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म। हु इज़ द ओनली बॉलीवुड स्टार अमंग द फोर्ब्स हाइस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020। फोर्ब्स की 2020 की उच्चतम भुगतान वाले अभिनेताओं में एकमात्र बॉलीवुड स्टार कौन है। सो अक्षय कुमार, ही इज़ द ओनली बॉलीवुड स्टार अमंग द फोर्ब्स हाइस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020। अब ये फोर्ब्स की लिस्ट में आए हैं ओनली इंडियन हाइस्ट पेड एक्टर ऑफ 2020। तो फोर्ब्स देखते हैं ये क्या है। फोर्ब्स इट इज़ एन अमेरिकन बिजनेस मैगजीन, ये पब्लिश होती है बाई वीकली एंड द मैगजीन इज़ वेल नोन फॉर इट्स लिस्ट्स एंड रैंकिंग्स। एडिटर इन चीफ हैं इसके स्टीव फोर्ब्स। फर्स्ट इशू इसका पब्लिश हुआ था सितंबर 15, 1917 एंड इट्स बेस्ड इन न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट्स। इन्होंने ही अभी लेटेस्ट में हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020 पब्लिश की थी, और इसमें जो इंडियन एक्टर हैं अक्षय कुमार, ही इज़ अमंग द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज अमंग द विनर्स ऑफ ग्रामोद्य बंधु मित्र पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन ग्रामोद्य बंधु मित्र पुरस्कार के विजेताओं में से है। सो सुधा मूर्ति, द चेयरपर्सन ऑफ इन्फोसिस फाउंडेशन, शी इज अमंग द विनर्स ऑफ ग्रामोद्य बंधु मित्र पुरस्कार। इसके अलावा शिव कुमार सोरमपुडी जो है हेड ऑफ ग्रुप बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड ITC लिमिटेड, इनको भी ये अवार्ड मिला है। और ये जो अवार्ड होता है ग्रामोद्य बंधु मित्र पुरस्कार, ये दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग इनिशिएटिव ऑफ वर्किंग ऑन गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी बूस्टिंग हीम हल्दी दूध मैन्युफैक्चर्ड बाय मिल्कफेड। किस राज्य की सरकार ने मिल्कफेड द्वारा निर्मित पोषण इम्यूनिटी बूस्टिंग हीम हल्दी दूध की शुरुआत की है। तो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश स्टेट है, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी बूस्टिंग हीम हल्दी दूध मैन्युफैक्चर्ड बाय मिल्कफेड। अब हिमाचल प्रदेश ने ये लॉन्च किया है। सो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी यहाँ की बनी थी 1956 में, देन स्टेटहुड मिला था इसको 1971 में, कैपिटल शिमला धर्मशाला, गवर्नर यहाँ के बंडोरी दत्तरिया, देन चीफ जस्टिस यहाँ के लिंगम्पा नारायण स्वामी एंड चीफ जस्टिस यहाँ के जयराम ठाकुर। कुछ इंपॉर्टेंट एंड फेमस नेशनल पार्क्स हैं यहाँ की, जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, देन खिरगा नेशनल पार्क एंड इंदरकिल नेशनल पार्क। अब रिसेंटली हिमाचल प्रदेश ने ही न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी बूस्टिंग हेम हल्दी दूध लॉन्च किया है दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मिल्क फैट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द न्यू आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर? नए आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर कौन है? सो रिसेंटली ड्रीम अलेवन हैज बिकम द न्यू आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर. दे हैव वन दिस आईपीएल 2020 टाइटल स्पॉन्सरशिप बिड फॉर रुपीज 222 करोड़. सो ड्रीम अलेवन अब इसके नए आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर बने हैं. सो ड्रीम अलेवन देखते हैं ये कौन है. तो ये है लोगो ड्रीम अलेवन का. इट्स अ फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बेस्ड इन इंडिया दैट अलाउज यूजर्स टू प्ले फैंटेसी क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी एंड बास्केटबॉल. इट वॉज फाउंडेड इन 2008. फाउंडर इसके हरीश जैन एंड भवित शेठ एंड हेडक्वार्टर इसका मुंबई, इंडिया. अब रिसेंटली ये बने हैं आईपीएल के न्यू टाइटल स्पॉन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ बीइंग द गवर्नर ऑफ गोवा? गोवा का राज्यपाल होने के अतिरिक्त प्रभार किससे दिया गया है? सो रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, ही हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ बीइंग द गवर्नर ऑफ गोवा. सो ये महाराष्ट्र के गवर्नर भी हैं भगत सिंह कोश्यारी, अब इनको एडिशनल चार्ज दिया गया एज ए गवर्नर ऑफ गोवा. देन बाकी के नाम है बंवारी लाल पुरोहित, ही इज़ द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु. देन आचार्य डेरट, ही इज़ द गवर्नर ऑफ गुजरात. देन आरिफ मोहम्मद खान, ही इज़ द गवर्नर ऑफ केरला. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशंस प्रेजिडेंट रिजाइंड आफ्टर बींग डिटेन्ड एट गन पॉइंट बाई म्यूटिनिंग सोल्जर्स? किस देश के राष्ट्रपति ने सैनिकों के विद्रोह करके बंदूक की नोक पर रखने के बाद ही इस्तीफा दिया है? सो रिसेंटली द प्रेजिडेंट ऑफ माली, ही हैज़ रिजाइंड आफ्टर बींग डिटेन्ड एट गन पॉइंट बाई म्यूटिनिंग सोल्जर. सो यहाँ के जो प्रेजिडेंट थे इब्राहिम बाबोकार केटा, ही अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन एंड डिसॉल्व्ड द पार्लियामेंट ऑन अगस्त 19, 2020 आफ्टर ही वॉज रिपोर्टली डिटेन्ड एट गन पॉइंट बाई म्यूटिनिंग सोल्जर्स. सो ये माली के प्रेजिडेंट थे, तो इन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया है आफ्टर बींग डिटेन्ड एट गन पॉइंट बाई म्यूटिनिंग सोल्जर्स. सो देखते हैं माली कंट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. माली ऑफिशियल नेम इसका रिपब्लिक ऑफ माली. इट इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका. सो वेस्ट अफ्रीका की ये कंट्री है. तो देखते हैं ग्लोब में इसकी लोकेशन. ग्लोब में ये है इंडिया और यहाँ पे इन वेस्ट अफ्रीका इट्स माली. कैपिटल यहाँ की बेमेको. प्राइम मिनिस्टर यहाँ के अभी रिसेंटली वैकेंट हो गई है. देन प्रेजिडेंट ऑफ नेशनल असेंबली हैं मोसा टिम्बियन. तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स. अब देखते हैं कल के क्वेश्चंस. मैंने आपसे कुछ पूछे थे रिसेंटली, वेयर हैज इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्टिंग द लॉन्गेस्ट घाट ब्रिज इन द वर्ल्ड? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मणिपुर. देन मैंने आपसे पूछा था पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो ये हुआ था 1905 में. देन मैकमोहन लाइन डिमार्केट्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना. तो ये थे कल के क्वेश्चंस, उनके आंसर्स. तो कोशिश करें तमाम बच्चे आंसर करने की. सो 95% ऐसे बच्चे हैं जो क्वेश्चन पढ़ते भी हैं, देखते भी, बट आंसर नहीं करते हैं. तो उनको आंसर करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें भी लगता है कि आप इन वीडियोस में इंटरेस्ट ले रहे हैं. नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू. रिसेंटली सत्यपाल मलिक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट? हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आपको आंसर करना है. ये 4 स्टेट्स बताए गए, तो इनमें से किस स्टेट के ये नए गवर्नर बने हैं सत्यपाल मलिक. देन नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे? देन जहलम रिवर इट ओरिजिनेट्स फ्राम. तो इन 3 क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं इन द कमेंट बॉक्स. तमाम बच्चे आंसर करें. नाउ इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में और सोशल मीडिया पे इसको शेयर भी करें. और जो नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें. ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल.